हेलो दोस्तों, मैं राहुल, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो ऑडी ने अपनी नई गाड़ी को लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है RS5, ऑडी RS5। ये आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के साथ आपको मिल जाएगी। ये गाड़ी आपको 4 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देती है। इसका जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 1.04 करोड़। एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है, जो इसकी टॉप स्पीड देखी गई है, यहाँ पर लिखी हुई है 250 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। और ये 100 किलोमीटर 0 to 100 ये सिर्फ 3.9 सेकंड में आपको पहुंचा देगी। अगर मैं इसके इंजन की बात करता हूं, तो इसमें आपको 2.9 लीटर का ट्विन टर्बो V9 इंजन देखने को मिलता है। ये एक प्रीमियम गाड़ी है, जिसकी पावर है आपको मिलेगी, वो मिलेगी आपको 450 HP की पावर मिलती है और 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिलता है। ये गाड़ी आपको 3.9 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ लेगी। वहीं RS स्पोर्ट की टॉप स्पीड जो दी गई है, वो दी गई 250 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड दी गई है। RS5 के 2021 के अपडेट में इसके अंदर आपको नई हेडलैम्प्स, फ्रंट बम्पर पर रीप्रोफाइल एयर इनलेट और पहले से ही बड़ा ऑडी का सिग्नेचर ग्रिल शामिल है इसके अंदर आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको 19 और 20 इंच के व्हील साइज देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसमें नया LED टेल लैम्प देखने को मिलता है। डिफ्यूज़र इसे ज़्यादा बोल्ड बना देते हैं। इस गाड़ी का जो सीधा सीधा मुकाबला वो होगा आपका BMW N9, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 1.30 करोड़ रुपीज़ है। और वहीं मर्सिडीज़ की जो प्राइस दी गई है, मर्सिडीज़ का भी साथ भी इसका मुकाबला होने वाला, जो इसकी प्राइस है 1.43 करोड़ रुपीज़ है। तो अब ये देखना होगा किसको कौन सी गाड़ी पसंद आती है। तो ये एक प्रीमियम गाड़ी के अंदर आती है, तो आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस गाड़ी में अच्छी है या वो गाड़ी अच्छी है, सभी गाड़ियाँ अच्छी होती है। और ये प्रीमियम गाड़ी है, तो इंडियन मार्केट के अंदर आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा BMW, मर्सिडीज़ और ऑडी ज़्यादा बिकती हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इनके कंपैरिजन में उसकी प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस भी काफ़ी कम है। एंड 1.03 एक्स शोरूम प्राइस दी गई है उसकी, और इनकी एक्स शोरूम प्राइस दी गई है 1.3 और 1.41 करोड़ रुपीस दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस वो ज़्यादा चीपर है, इतनी सस्ती नहीं है, तो भी वो इन दोनों के मुकाबले काफ़ी सस्ती गाड़ी है। तो आई थिंक उस पर जाना चाहिए, अगर फीचर इससे ज़्यादा अच्छे मिलते हैं तो। अगर फीचर्स के मामलों में ये भी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं। तो लॉन्च तो हो गई है और इसे शामिल भी कर लिया गया है ऑडी की नई गाड़ियों की रेंज में। तो अब देखना होगा कि कितनी अच्छी बिक्री करती हैं, क्योंकि प्रीमियम गाड़ियों की बात करें तो प्रीमियम गाड़ियाँ इंडिया में कम ही उठती हैं, लेकिन एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ उठती हैं। तो मैं मिलूँगा आपको और किसी वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय, सी यू, धन्यवाद।